राम राम जी, आप सबका स्वागत है हमारे 419 देसी रसोई में। आज हम बनाएंगे चौलाई का रायता। ये मैंने अपने खेत में से ली है जो कि बिल्कुल ताज़ा है। मैंने चौलाई के डंठल हटा दिए और सारे पत्ते तोड़ लिए। मैंने पत्तों को 4-5 बार अच्छे से धो लिया और रफली काट लिया। अब कुकर में डालकर 1 गिलास पानी डाल देंगे और ढक्कन लगाकर 2 से 3 सीटी लगवा लेंगे। 3 सीटी के बाद अब चौलाई के साग को निकाल लेंगे और किसी बर्तन में निकाल कर ठंडा होने देंगे। अब रायता बनाने के लिए सामग्री तैयार करते हैं। मैंने ये 3 साबुत लाल मिर्च ली हैं और 8-10 कली लहसुन की ली हैं। इनको कूट कर अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अब थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से फेंट लेंगे। पेस्ट बनके तैयार है। अब कोई भी बर्तन लेंगे। मैंने ये मिट्टी का बर्तन लिया है और इसमें दही डाल देंगे। मैंने ये लगभग 500 ग्राम दही ली है। अब दही में चौलाई डाल देंगे और रई की सहायता से अच्छे से फेंट लेंगे। अब मसाला डालेंगे, छोटी आधी चम्मच सफ़ेद नमक, आधी चम्मच काला नमक, आधी चम्मच काली मिर्च, लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। एक चम्मच भुना जीरा, 1 चम्मच सूखा हरा पुदीना, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, 1 थोड़ा सा सूखा हरा धनिया। और अब 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। चौलाई का रायता बनके तैयार है, लेकिन इसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए राई का तड़का लगाएंगे। अब कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी राई डाल देंगे, थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देंगे। सारी सामग्री भून के तैयार है। अब तड़का लगा देंगे। हेल्दी एवं टेस्टी औषधीय चौलाई का रायता बन के तैयार। रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर चावल के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना। न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।